फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पीपल और पर्संस में क्या फर्क है, यानी हम कैसे जाने कि कब हमको पीपल का यूज करना है और कब हमें पर्सन का यूज करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पीपल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पॉपुलस, मीन्स अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। फ्रेंड्स, वर्ड पीपल लैटिन वर्ड पॉपुलस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, लोगों का एक ग्रुप या एक समूह। और अगर हम बात पर्संस की करें, पर्संस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना मींस सिंगुलर। वर्ड पर्सन लैटिन वर्ड पर्सोना से आ, जिसका मतलब सिंगुलर या इंडिविजुअल भी होती है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया कि पीपल और पर्सन का ओरिजिन क्या है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानें। पर्सन वॉज यूज व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस फॉर विच द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ह्यूमंस वॉज नोन। हम वर्ड पर्सन का यूज तब करते हैं जब हम एक ऐसे ग्रुप की बात करें जिसे आप अलग अलग काउंट कर सकें या जिसे आप अलग अलग गिन सकें। जैसे अगर मैं कहूं वहां चार लोग आए तो आप कहेंगे फोर पर्संस केम देयर। अगर मुझे कहना हो कि पांच लोग कॉफी पी रहे हैं तो मैं कहूंगा फाइव पर्संस आर टेकिंग कॉफी। तो फ्रेंड्स, वर्ड पर्सन का यूज हम एक ऐसे ग्रुप के लिए करते हैं जिसे एग्जैक्ट नंबर का पता चले, यानी उसे आप अलग अलग काउंट कर सकें। पीपल वॉज यूज एज ए मैस नाउन व्हेन डोंट नो द नंबर ऑफ ह्यूमन इन ए ग्रुप। और वर्ड पीपल का यूज हम तब करते हैं जब हम एक ऐसे ग्रुप की बात करें जिसे हम अलग अलग काउंट ना कर पाए, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसे एग्जैक्ट नंबर का पता ना चले, तो हम वहाँ पीपल का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कुछ लोग वहाँ थे तो मैं कहूँगा सम पीपल वर देयर। अब यह वर्ड पीपल से एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चला कि वहाँ कितने लोग थे। कुछ लोग आज आ रहे हैं, सम पीपल आर कमिंग टुडे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। हम वर्ड पर्सन का यूज तब करते हैं जब हमको एग्जैक्ट नंबर पता हो कि वहाँ लोगों की तादाद, लोगों की नंबर या संख्या कितनी है। वहीं दूसरी तरफ वर्ड पीपल का यूज एक ऐसे ग्रुप के लिए की जाती है जहाँ पता ना चले कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, यानी वहाँ कितने लोग हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ब